बिल्कुल बकवास ये कहा मस्क ने अफेयर के रूमर्स या रिपोर्ट्स पे। जोमैटो के शेयर क्रैश हुए, कार्डशियन ने स्लैम किया इंस्टाग्राम को। हे गाइस, मैं हूं प्रशांत जोमैटो और स्वागत करता हूं आपका एक नए एपिसोड ऑफ ट्रेंडिंग स्टोरीज में, जहां पर टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट के लिए मसालेदार न्यूज होती है। तो शुरू करते हैं, मजा आएगा। इलॉन मस्क ने फ्लैटली डिनाइड किया ये सेंसेशनल मीडिया रिपोर्ट्स को, जो क्लेम कर रहे हैं कि भैया इनका सेंसेशनल अफेयर हुआ है, स्कैंडलस अफेयर हुआ है गूगल को-फाउंडर सर्जी ब्रिन की वाइफ के साथ। वेल, इलॉन मस्क आए अपने ट्विटर अकाउंट पर, उन्होंने लिख दिया टोटल बुलशिट। अब ये बात बोलने के बाद काफी लोगों में हड़बड़ी तो मची, लेकिन उन्होंने साफ ये बात बोली है कि भैया उन्होंने तो पिछले 3 साल में सिर्फ 2 बार मिले हैं सर्जी ब्रिन की वाइफ से और कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं है उनके और उनके बीच में। लेकिन ये टाइमिंग बड़ी ही स्ट्रेंज है, क्योंकि इस टाइम पर ब्रिन और उनकी वाइफ शैनहन ने फाइल किया हुआ डिवोर्स के लिए। जोमैटो के शेयर क्रैश हुए, एक हिस्टोरिक लो को हिट कर दिया उन्होंने। वेल, फ्री फॉल हुआ है जोमैटो के स्टॉक प्राइसेस में, और ये फ्री फॉल इतना बुरा हुआ है कि 14% का मार्केट क्रैश हुआ एक दिन के अंदर। अब बात यह है कि इस टाइम पर जोमैटो के शेयर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं 45 रुपए से 47 रुपए की रेंज में। इतनी खराब हालत तो तब भी नहीं थी जब इन्होंने आईपीओ में लिस्ट किया था। आज की डेट में जोमैटो की वैल्यूएशन रह गई है सिर्फ $5 बिलियन कंपेयर टू $12 बिलियन जब उन्होंने लिस्ट किया था अपने आप को दलाल स्ट्रीट पे। वेल, जोमैटो कोई अकेला स्टार्टअप तो है नहीं जिसकी आज ऐसी हालत है। पेटीएम, पॉलिसी बाजार या कार्ड रेट, सभी के सभी स्टार्टअप जिन्होंने भी लिस्टिंग करी थी लास्ट ईयर में, आज उनकी हालत काफी खराब है। और मोस्टली सारे स्टार्टअप, शायद एक नायका के एक्सेप्शन को लेके, अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं इस टाइम पर। वेल, फेमस सोशलाइट किम कार्डशियन और उनकी सेलिब्रिटी सिस्टर काइली जेनर ने क्रिटिसाइज किया इंस्टाग्राम को कि भैया ये तो कॉपी चोर है, ये तो टिकटॉक की कॉपी करते रहते हैं। वेल, कार्डशियन और जेनर, जिन दोनों के टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मैसेज पोस्ट किया, भैया टिकटॉक की इमिटेशन करना बंद करो, हमें अपने क्यूट फोटोज ऑफ फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस को देखने दो, यार ये क्या टिकटॉक लगा रखा है। बस दोनों सोशलाइज्ड एंटायरली रॉन्ग नहीं है इस बारे में, क्योंकि इस बारे में काफ़ी लोग पहले से चर्चा कर रहे हैं कि भैया इंस्टाग्राम, फेसबुक अब टिकटॉक जैसे फीचर्स और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वो पछड़ रहे हैं, टिकटॉक उन्हें पीछे कर रहा है एंगेजमेंट के मामले में, कैप्चर करने के मामले में ऑडियंस को। और इस वजह से अब मेटा के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन बची नहीं है, तो वो कह रहे हैं ठीक है अब एंगेजमेंट करनी है तो ठीक है हम बनते हैं टिकटॉक की कॉपी। वेल, जर्मन ऑटो जॉइंट वॉल्सवैगन का सीईओ हर्बर्ट डीज ने स्टेप डाउन किया मंडे को अपनी पोजीशन से, और काफ़ी अनसेरेमोनियस तरीके से। कई लोगों ने तो इसको ऐसा नेम किया कि भैया इनको तो सैक कर दिया गया, एक सॉफ्ट सैकिंग हुई इनकी। अब ये जो इनकम्बेंट सीईओ थे, इनका रिमूवल ऐसे टाइम पर आया जब उनका बार बार कॉन्स्टेंट क्लैश चल रहा था वॉल्सवैगन के ट्रेड यूनियन बॉडी के साथ, और कंपनी की इनएबिलिटी, जो कि बोली गई है कि काफ़ी इनएबिलिटी है इनकी अपने ईवी ट्रांजिशन को करने में, ये बात इंडस्ट्री बोल रही थी। अब वैसे देखा जाए तो सेल्स तो काफ़ी इंप्रेसिव रही उनकी। फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में 22,000 व्हीकल्स को सेल किया उन्होंने फर्स्ट हाफ के अंदर। कल गूगल प्ले स्टोर ने अपना जन्मदिन मनाया, अपना 10वां जन्मदिन, 10th एनिवर्सरी, और 10th एनिवर्सरी के मौके पे उन्होंने अपने नए लोगो को रिलीज किया और साथ साथ में नई लुक को। वेल, देखा जाए तो उनका जो वो टिपिकल राइट पॉइंटिंग एरो वाला स्टाइल है वो तो कंसिस्टेंट रहा, लेकिन लुक थोड़ा बड़ा हो गया, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया, और अंदर का प्ले स्टोर का भी लुक थोड़ा सा चेंज हुआ है। वेल, देखा जाए तो एंड्रॉइड मार्केट प्लेस मोस्ट डोमिनेंट मार्केट प्लेस इस टाइम पर दुनिया का, 111 बिलियन मोबाइल एप्स डाउनलोड किए गए थे 2021 के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पॉपुलर है एंड्रॉइड का मार्केट प्लेस। तो ये थी आज की टॉप ट्रेंडिंग स्टोरी। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप घंटा बजा देंगे तो हमें बहुत भी अच्छा लगेगा। आप हमारी वेबसाइट techcrunetor.com को भी विजिट कर सकते हैं और ऐसी टेक स्टोरीज पढ़ने के लिए। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।